नमस्कार, मैं हूं संदीप सिन्हा और आप देख रहे हैं जुर्म। इस बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी के मुजफ्फरनगर की एक ऐसी घटना जिसमें एक परिवार ने अपने ही दामाद को मौत के घाट उतार दिया। आपने देखा, कुछ लोग एक लाश को खेत में गाड़ रहे हैं। मृतक का नाम विशाल है और इसे इसी के ससुराल वालों ने मार डाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विशाल के ससुराल वालों ने उसके साथ ऐसा सुलूक किया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। उन्होंने टिफिन लिया? अच्छा, तुमने अपनी सारी बुक्स रखी? अभी जब रोड के साइड में जाना, बीच में मत चलना, ठीक है? भैया का हाथ पकड़ के चलना, है ना? और कोई कुछ खाने को दे तो बिल्कुल मत लेना, और कोई बोले ना कि मम्मी पापा बुला रहे हैं लेके जाओ, अनजान आदमी, किसी के साथ मत जाना, ठीक है बेटा? चलो संभाल के लेके जाना बेटा। बाय 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 मम्मा बाय। चावल ले लो थोड़ा सा, ऐसे चावल लगा दो, बहुत बढ़िया। मुजफ्फरनगर में रहने वाला ये छोटा सा 5 लोगों का परिवार किसी आम परिवार की तरह ही था, लेकिन इनके जीवन में नया मोड़ तब आया जब निशा की मुलाकात विशाल से हुई और शुरू हुआ इश्क का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। दादाजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मम्मा है तो आप बता देना मैं कॉलेज चली गई हूँ। सुनो बेटी, ठीक है, बता दूंगा। जी दादाजी। कितनी देर में आओगी? दादाजी मुझे 5 बजे जाएंगे। देखो बेटे, आजकल समय बहुत खराब चल रहा है। जी। कॉलेज का वातावरण भी अच्छा नहीं है, तो
ऐसा कोई काम ना करना। जी दादाजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे हमारी इज्जत की मान में आ जाए। ठीक है बेटे, चलो दादाजी मैं जा रही हूँ। ठीक है बाय। ठीक है भाई। भाई मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो प्लीज। तू भाई बहनों के बीच में बोल क्या है ये? पूरे खानदान की नाक कटा के रखी है तूने। हम सोचते थे कि लड़की पढ़ने जा रही हो, तू यहाँ बैठ के रंगरेली मना रही है। चल घर। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, वैसा ही निशा के साथ भी हुआ। उसके भाई करण की नजर उस पर पड़ी, दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। करण ये कैसे बर्दाश्त कर पाता कि उसकी बहन किसी के साथ घूमे। फिर शुरू हुआ सख्ती का सिलसिला। मैं तो उससे बाद में बात करता हूं। ओए विशाल इधर आ। अरे तेरे को 10 बार समझाए, निशा से दूर रहते हैं, समझ में नहीं आती। निशा, हम दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते? वो तो मैंने अपने भाइयों को भी बताया नहीं है, वरना तेरी खैर नहीं होगी। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हम दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं। चल निकल यहाँ से। घर वाले निशा को ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाए। मौका मिलते ही निशा और विशाल ने घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली। समय बीता गया, इस दौरान इन दोनों की सरकारी नौकरी भी लग गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ओ छोटू। हाँ भैया। भैया कैसे? भैया वो दीदी ने दूसरे पे नाराज़ हो। अच्छा और सब बढ़िया? हाँ पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही है? सब बढ़िया चल रही है। अच्छा और सुनाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो फिर है ना? तुम आगे? हाँ।
इधर लड़की के घर से भागकर शादी करने से निशा के घर वाले काफी नाराज थे। समय के साथ साथ उनकी ये नाराजगी खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। उधर विशाल का ट्रांसफर हो गया था, उसे मुजफ्फरनगर आना था। जैसे ही ये बात निशा के भाइयों को पता चली, उन्होंने सबसे पहले निशा को बड़े प्यार से घर बुलाया। हमारी शादी को एक साल हो गया, तुम्हें नहीं लगता हमारी फैमिली हमें माफ कर देगी? नहीं, तुम गलत समझ रही हो, नहीं माफ करेगी। क्यों? क्योंकि तो उन्हें मालूम है ना अपन ने भक्ति शादी की। तो क्या हुआ, एक साल हो गया? अरे तुम छोड़ो ये सब बातें, एक काम करो, मैं तुम्हें एक बैड न्यूज एक गुड न्यूज सुनाता हूँ। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया? हाँ, और दूसरी न्यूज ये है कि क्या है, मेरा ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर? छोड़ो, मुझे नहीं जाना है। अच्छा एक बात तो सुनो। नहीं सुनना है मुझे। सुनो तो। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी बुला लूंगा। मेरी पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो अपन चलते हैं। कहाँ जाएंगे? मैं उम्र में भले ही आपसे छोटा हूँ, लेकिन जो हक की बात है वो मैं करूँगा। माना कि निशा हमारी बहन है, लेकिन उसने पूरी घर की मर्यादाओं का पालन नहीं किया, हमारे घर की मर्यादाएं तोड़ी हैं। निशा और विशाल का कुछ तो करना पड़ेगा, तो उस चीज़ का बदला तो मैं लेके रहूँगा उनसे। अब आप जैसा सोचें, आप जैसा चाहें वो आप करें, लेकिन इस चीज़ का तो मैं विरोध करता हूँ। ये तो सही करिए भाई, गलत तो उन्होंने बहुत किया है, कुछ तो करना पड़ेगा उनका। विशाल आया हुआ है, क्यों ना हम काम तमाम कर दें? एकदम सही, जैसा आप बोले। क्या कहते हो? बिल्कुल, बुला लें, मौका देखता ही बुला लिया। बुला लिया। ये बात तो बहुत सच बोल रहे हो तुम, क्योंकि सर उठा के चलना समाज में बहुत मुश्किल है, और हम इसे सर उठा के नहीं जी सकते। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि समाज में हर आदमी हमें उसी नजरों से देख रहा है। क्या कहते हो तुम दोनों? सही बोला भैया आपने, एकदम बुला लो उनको, मौका बहुत अच्छा है। बुला लो साले, साले को। हेलो। हाँ, और बढ़िया कैसा है? और विशाल भैया कैसे हैं? बाद में बात करता हूँ। हाँ और कैसे हो? बढ़िया भाई, सारे गिले से जो खत्म करो आप। भाई ने चाय भी बुलाया कल, चाय नाश्ता? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। डन। निशा अपने भाइयों के इरादों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। उधर विशाल जब निशा को लेने आ रहा था, उसी समय मौका पाकर करण ने विशाल को जंगल में ही घेर लिया और उसकी हत्या कर उसके शव को जंगल में ही गाड़ दिया। उधर घर में विशाल के आने का इंतजार कर रही निशा को ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद शक हुआ और उसने इसकी शिकायत पुलिस में की। ये तो अपना है भाई, इन तो देते। अच्छा इधर ही देते? हाँ। ओ भैया, आप लोग पहले से ही पहुंच गए? आज खेत में कुछ जरूरी काम था, इसलिए हम आ गए। आओ बैठो, बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। गन्ने का यहीं पे सारे पूर्वजों ने गन्ने उगाए हैं, खेती करी है, किसानी करी है, और किसान आदमी अपने खेत के अलावा जाता कहाँ है? कहीं नहीं जा सकता अपने खेत को छोड़ के। बढ़िया है, और क्या, सही है। और तुम सुनाओ कैसे क्या चल रहा है? बढ़िया,
काम धंधा कैसा आना हुआ? बस ऐसे आए थे हम मिलने, भैया ने बोला था कि भैया बुला रहे, बड़े भैया आए तो आ गए। फिर हम भैया बहुत याद करते रहते हैं आपको, तो इसलिए मिलने आ गए। कुछ करेंगे कुछ और सब बड़े चल रहा है। हाँ बढ़िया। क्या है कि बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अच्छा। और हम ये चाहते हैं कि तुम जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, अच्छे रहो, खुश रहो। वैसे तुमने बहुत सही किया जो हमारी बहन का हाथ था। बुरा लगता है एक टाइम पे, मगर वो गिले सिकवे क्या है कि ज़्यादा दिन तक ना ही रखे जाए तो बेटर। और हम तो चाहते थे कि हमारी बहन से कोई शादी करे, विवाह करे, पर सही लगा तुमने किया। मगर तुम्हारा फर्ज है उसको खुश रखने का, क्योंकि हमारी इकलौती बहन है। लगमचा दे भैया। और हम यही चाहेंगे कि तुम हमेशा हमारी बहन को खुश रखो। खुश तो रखता ही हूँ। इसी खुशी के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है, और एक उपहार हम तुम्हें देना चाहते हैं अपने दिल से, अपने तरफ से। तो आज वो उपहार हम तुम्हें देते हैं। साले हमारी बहन से शादी करा तूने, पूरे गांव में, पूरी बरादरी में हमसे तूने दुश्मनी ली, ये भी जानते हुए कि तू उसकी बहन से शादी कर रहा है। साले प्यारी तो किया, एक एक चीज चुन चुन के दिखाऊंगा तुझे। अरे मेरी बहन को सुनो। हाँ भैया। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, नहीं। एक काम करो, सबसे पहले गड्ढा खोदो और इसको गड़ा दो, इसकी लाश यही गड्ढे में दफन कर दो, ताकि किसी को कानो कान पता न चले इसके साथ हमने किया क्या है। जल्दी उठा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। पुलिस को जब निशा और विशाल के भागकर शादी करने वाली बात का पता चला तो उन्हें निशा के घर वालों पर शक हुआ। पूछताछ में करण ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ऑनर किलिंग यानी सम्मान के लिए कत्ल, ऐसी घटना हमारे समाज में खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। जरूरत है आज के हिसाब से अपनी सोच को बदलने की। निशा ने अपना पति खो दिया और उसके भाई आज हत्या के जुर्म में जेल में बंद हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए जुर्म।